हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लैडर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे टेंसेस के थ्रू। इससे क्या होगा, एक तो हमारी टेंसेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग होगी और हम जो है हिंदी की किसी भी चीज को, कोई हमारा पैराग्राफ हो या कोई भी स्टोरी हो, हम उसको इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है उसकी हमारी पहली लाइन है, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। तो सबसे पहले हम इसका टेंस पहचानते हैं। देखिए, सेंटेंस के एंड में आ रहा है रही थी, तो सेंटेंस किस टेंस में बनेगा? पास कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, तो पास कंटिन्यूअस टेंस में हमारा क्या रूल है कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वॉस लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है एक चींटी। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाने वाले हैं? वास और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब हमारा सीक्वेंस क्या होगा सेंटेंस का? तो पहले हम लिखेंगे इसका सब्जेक्ट यानी एक चींटी यानी एन आंट। ठीक है, एन आंट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या लगाना है? वास। अब हमारी वर्ब क्या है? बहती जा रही थी। बहती जा रही थी यानी बहना यानी फ्लो, फ्लोट यानी फ्लोटिंग, ये हो जाएगा हमारा फ्लोटिंग। नदी की धारा में यानी इसको हम लिखेंगे इन द स्ट्रीम, नदी की धारा को स्ट्रीम ऑफ अ रिवर। तो एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, एन आंट वाज फ्लोटिंग इन द स्ट्रीम ऑफ ए रिवर। ओके, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। अब देखिए, ये ज्यादा सेंटेंस भी किसमें है? पास कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? रही थी। तो वह किसके लिए आया है? चीटी के लिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे इट। ठीक है, क्या लगाएंगे? वास। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, हमारी जो मेन वर्ब क्या है? कोशिश करना यानी ट्राई, और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा ट्राइंग। किनारे आने की यानी नदी के किनारे आने की कोशिश कर रही थी, आप ये भी कह सकते हैं कि नदी किनारे पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कई बार क्या होता है, हम स्टोरीज ट्रांसलेट करते हैं या पैराग्राफ्स ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार जो सेंटेंस लिखा हुआ होता है तो उसमें जो सेंस होता है उसके हिसाब से भी हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इट वाज ट्राइंग, पहुंचने की कोशिश कर रही थी टू रीच द बैंक। देखिए, नदी के किनारे को कहते हैं बैंक। ठीक है, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, इट वॉज ट्राइंग टू रीच द बैंक, लेकिन आ नहीं पा रही थी। अब इसका सेंस ये है कि वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन किनारे आ नहीं पा रही थी, यानी वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। या आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थी। ठीक है, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? लेकिन, बट क्या लिखेंगे हम? बट वॉज अनेबल। कोई काम अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम अनेबल वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, देखा जाए तो कह सकते हैं कि पा रही थी, सेंटेंस के एंड में आ रहा है रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बन सकता है, लेकिन इसका सेंस ये है कि वे किनारे आने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन ऐसा कर पाने में असमर्थ थी। तो यहाँ हमें सेंटेंस के सेंस को समझना जरूरी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बट क्योंकि पास्ट टेंस में है तो वाज अनेबल। देखिए, हम कोई भी किसी काम को अगर हम नहीं कर सकते या हम किसी काम को नहीं कर पा सकते हो, अनेबल का यूज हम कर सकते हैं। बट वाज अनेबल टू डू सो। टू डू सो मतलब ऐसा करने में असमर्थ थी, क्योंकि वो किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन किनारे आ नहीं पा रही थी, लेकिन इसलिए हम इसको कह सकते हैं, लेकिन आ नहीं पा रही थी इसको कह सकते हैं बट वाज अनेबल टू डू सो। किनारे के वृक्ष पर बैठा एक फाख्ता यह देख रहा था। फाख्ता एक बर्ड है जिसको हम इंग्लिश में डव भी कहते हैं। ठीक है, किनारे के वृक्ष पर बैठा एक फाख्ता यह देख रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसका सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? एक फाख्ता। ठीक है, क्योंकि जो फाख्ता यानी जो डव है वही देख रहा था चींटी की इस कोशिश को कि वो किनारे आने की कोशिश कर रही है, तो हमारा सब्जेक्ट होता है यहाँ एक फाख्ता। तो इसका सीक्वेंस का क्या होगा? एक फाख्ता जो किनारे के वृक्ष पर बैठा हुआ था वह यह देख रहा था। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे हम ए डव।
अब इसके बाद क्या लिखेंगे, किनारे के वृक्ष पर बैठा, ठीक है, यानी किनारे के वृक्ष पर बैठा हुआ था, यानी सिटिंग, बैठा हुआ था, सिटिंग ऑन ए ट्री, और ट्री कहाँ था, नदी के किनारे पर, ठीक, ऑन ए ट्री ऑन द बैंक। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक डव जो एक पेड़ पर बैठा हुआ था जो नदी के किनारे पर था, ठीक है, ए डव सिटिंग ऑन ए ट्री ऑन द बैंक, ठीक। अब बनाते हैं हम ये वाला पार्ट, यह देख रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ लगाएंगे हम वास, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ए डव, वास देखना, वॉचिंग, ing लगा दिया हमने क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ है, वाज वॉचिंग दिस, तो किनारे के वृक्ष पर बैठा एक फाख्ता यह देख रहा था, ए डव सिटिंग ऑन ए ट्री ऑन द बैंक वाज वॉचिंग दिस, उसे चींटी पर दया आ गई। अब किसे दया आ गई, डव को, चींटी पर दया, ठीक है। अब ये सेंटेंस कैसा है, देखिए पीछे क्या आ रहा है, आ गई, ये हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है हमारा, केवल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसे ये आ रहा है फाकता, यानी डव के लिए तो हमने लगाया इट, देखिए कोई भी एनिमल होता है, स्मॉल एनिमल हो या बर्ड हो, हम उसके लिए इट का यूज कर सकते हैं। दया आ गई, इसको हम लिखते हैं इट फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, दया यानी पिटी, इट फेल्ट पिटी के बाद लगाएंगे हम फॉर द आंट, ठीक है, उसे चींटी पर दया आ गई, इट फेल्ट पिटी फॉर द आंट, ओके। उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया, देखिए इसमें दो सेंटेंस है, उसने वृक्ष से पत्ता तोड़ा और नेक्स्ट है पानी में डाल दिया, और बीच में कंजंक्शन लगा हुआ है और दोनों ही सेंटेंस, देखिए इस सेंटेंस का एंड वर्ड है तोड़ा, जो साउंड क्या कर रहा है, आ की साउंड कर रहा है, पानी में डाल दिया, इसमें भी आ की साउंड आ रही है, तो ये इसमें कौन सा टेंस लगेगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे हम, सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो उसने वृक्ष से पत्ता तोड़ा, उसने किसने, डव ने, तो इट, तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है प्लग, इट प्लग क्या तोड़ा, एक पत्ता यानी अ लीफ, ठीक है, कहां से तोड़ा, वृक्ष से, यानी कोई चीज किसी से अलग हो जाए तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम द ट्री और, यानी कि एंड, और पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया यानी पुट, और पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट ही होती है, पुट इन द वाटर, ठीक है। उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा, इट प्लग ए लीफ फ्रॉम द ट्री एंड पानी में डाल दिया एंड पुट इन द वाटर। अब नेक्स्ट, चींटी पत्ते पर बैठ गई, ये सेंटेंस भी किसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो द आंट बैठ गई यानी सिट, और सिट की सेकंड फॉर्म हो जाती है सैट, किस पर बैठ गई, पत्ते पर यानी ऑन द लीफ, तो चींटी पत्ते पर बैठ गई, द आंट सैट ऑन द लीफ। कुछ समय बाद पत्ता किनारे पर लग गया, कुछ समय बाद पत्ता किनारे पर लग गया, इसका दूसरा सेंस आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ समय बाद पत्ते ने क्या किया, जब पत्ता जो है पानी में तैर कर गया तो उसके नदी के किनारे को टच हो गया, ठीक है। तो कुछ समय बाद यानी आफ्टर सम टाइम द लीफ किनारे को छू गया, हम यहाँ पे किनारे पर लग गया आपको कह सकते हैं, किनारे से छू गया यानी टच, और टच की सेकंड फॉर्म हो जाती है टच, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लगने वाला है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगने वाला है, टच्ड किनारे पर, टच्ड द बैंक, आफ्टर सम टाइम द लीफ टच्ड द बैंक, ठीक है। इस तरह चींटी की जान बच गई, देखिए यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पर एक पैसिव वॉइस भी यूज होती है, इस तरह चींटी की जान बच गई, इसको आप कह सकते हैं इस तरह चींटी की जान बचा ली गई, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा किसमें बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा, ठीक है। तो इस तरह यानी दस
दस की जगह आप इन दिस वे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चीटी की जान बच गई, चीटी की जान, द आंट्स लाइफ, आंट्स लाइफ पास्ट टेंस में है तो वॉज, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है हमेशा, वॉज, बच गई, सेव्ड। तो इस तरह चींटी की जान बच गई, दस द आंट्स लाइफ वॉज सेव्ड। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जिसको हमने टेंसेस के थ्रू और ट्रांसलेट करना सीखा। ये पूरी स्टोरी क्या थी, पास्ट टेंस में थी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। और इस तरह से आप किसी भी स्टोरी को, किसी भी पैराग्राफ को टेंसेस के थ्रू आराम से इजीली ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।